एवरीवन, सो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल आरती ब्यूटी स्टाइल। सो गाइस, आज का वीडियो सबने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। यस गाइस, आज मैं आपको संग शेयर करूंगी माय फेवरेट वन स्ट्रेटनर, जो मेरे काफ़ी 4 साल से मेरे साथ है। और कहते हैं कि चाइनीज का माल बहुत जल्दी रिप्लेस कर देते हैं, वो होता है बहुत, बट कुछ कुछ चीज़ें ना जो चल जाती हैं। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ अपना लवन किमी स्ट्रेटनर, आपके संग किमी, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है उसका, तो वो आपके संग आज शेयर करने वाली हूँ। इट मीन्स मैं आज शेयर करूँगी ना, अभी तो आप मेरे बाल देख रहे होगे थोड़े स्ट्रेट हैं, बाल अपने परसों थोड़े स्ट्रेट किए थे, उससे अभी तक मेरे बाल स्ट्रेट हैं, थोड़े से भी वो नहीं हुए, तो अच्छा खासा चल गया मेरे ये स्ट्रेटनर चल जाता। और मैंने खुद किया था दो टाइम, जो है सुनिधि मेरे बाल स्ट्रेट कर देती है, तो वो बहुत लंबा चल जाता है, बट ये मैंने खुद उस दिन ना थोड़ा बहुत फ्रंट फ्रंट के कर दिया, थोड़ा पीछे पीछे कर लिया, तो आराम से चल गया, तो काफ़ी अच्छा है यार। मतलब मेरा तो 4 साल चल गया, मुझे अभी किसी में स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये चल गया बढ़िया स्ट्रेटनर। और अपने बजट में आई थिंक इसका प्राइस भी बहुत शॉकिंग है, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे, इतना कम प्राइस में इतना बढ़िया स्ट्रेटनर, तो लॉन्ग ड्यूरेबल तो बहुत बढ़िया है, तो सब सारे फीचर्स में बताऊंगी। तो ये प्यारा सा इवेंट लगा दिया अभी बीच में संध्या ने, कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता नहीं था कितना अच्छा लगेगा हमारे ऊपर भी। तो ये है कि चलो स्टार्ट करते यार, ज़्यादा गपशप नहीं लगाते, फटाफट स्टार्ट करते। तो अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एब्सोल्युटली फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी से आपको ये हल्का सा कर्ल दिख रहा होगा ना, इसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ मैं, और मेरे ये बाल आगे बेबी हेयर से ये थोड़े कर्ल है, इनको करके दिखाती हूँ मैं आपको स्ट्रेट। तो उससे स्ट्रेट जो है बाल अच्छे खासे हो जा रहे हैं, कुछ नहीं मतलब एक बार हीट हो जाए ना, सीरम लगा लो। मैं दिखाती हूँ आपको, सी गाइस, ये जो ब्लू लाइट दिख रही है ना आपको 220 डिग्री सेल्सियस की, तो ये सबसे हाईएस्ट पावर है, जो 220 डिग्री सेल्सियस जो दिखाई दे रहा है ये सबसे ज़्यादा पावर लेता है। यहाँ ये स्विच ऑन का है रेड जो है, 3 टेम्परेचर ये होते हैं आपको यहाँ पे, तो जो सबसे नॉर्मल चाहिए तो आपको 160 डिग्री का है, देन 180 डिग्री का है, देन 200 डिग्री सेल्सियस का, और सबसे हाई 220 डिग्री सेल्सियस। तो मैं मोस्ट ऑफ जो होता है फटाफट अगर मुझे करना होता है ना, अगर अपने भाग हैं लेट हो रहा है, तो मैं 220 डिग्री सेल्सियस पे ही अपना हेयर क्या नाम है स्ट्रेट करती हूँ, बिकॉज ऑफ कि ये बाल का जो टेम्परेचर वो मेनटेन कर लेता है, ज़्यादा आपके बाल से जलते नहीं है ना, ज़्यादा हीट जाती है, सबसे बेस्ट वन ये है। और कहीं लगता है आपको आपकी हीट प्रॉपर मतलब टेम्परेचर का नॉर्मल है, हीट नहीं हो रही है, तो आप इस तरह से पॉज दे के भी कर सकते हो, सही है इस तरीके से, फिर ऐसे पॉज दिया, देन ऐसे, देन पॉज दिया, देन ऐसे, इससे क्या होगा ना आपकी जहाँ जहाँ जो बाल स्ट्रेट नहीं है वो आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मेरे तो बाल हो चुके हैं स्ट्रेट, फिलहाल मेरे पहले से ही स्ट्रेट थे, मैंने आपको बताया 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने बाल को स्ट्रेट कर लिया था, देन मैंने कहा इसका यार रिव्यू देना था आप लोगों को, काफ़ी टाइम से मैंने प्लान किया हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो फिर बताया आज वो टाइम आ गया। बात आती है इस स्ट्रेटनर की, क्या है इसकी क्वालिटी, क्या डीमेरिट और मेरिट है इस स्ट्रेटनर के, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है ना कुछ इस मॉडल में आता है, ज़्यादा हैंडी मॉडल है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ईजिली आप कैरी कर सकते हो। कैमी ब्रांड इसमें लिखा हुआ है ब्रांड का नाम, और मोस्ट ऑफ जानते हो जो कैमी ब्रांड है ये है चाइनीज़ का आइटम है फिलहाल, पर ये चाइनीज़ आइटम बहुत लंबा चल गया मेरे साथ, हार्डली 4 इयर्स से हो गए मुझे यूज़ करते, पर मैं एक्चुअली मैं रेगुलर यूज़र नहीं हूँ उसकी, मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है पार्टी फंक्शन या मेरा शूट वगैरह होता तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। वैसे भी यार डेली यूज़ करना भी नहीं चाहिए स्ट्रेटनर को, क्योंकि बालों के लिए ये अच्छा नहीं होता, आप ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हो, बहुत बाल झड़ने शुरू जाते हैं, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होना शुरू जाता है, तो मैं इसी रीज़न की वजह से भी स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये किसको प्यारे नहीं होते, अपने बाल सुंदर से लहराते हुए स्ट्रेट, राइट। कुछ हैंडी मॉडल मैंने बताया, वायर में आता है इसका स्विच, इसका आता है इस तरीके से स्विच इसका आता है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर उसको दिखा दिए थे, टेम्परेचर इसका है सबसे कम है आपका 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस, देन 200 डिग्री सेल्सियस, देन 220 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है 220 है, मैं ज़्यादा 220 पे ही प्रेफर करती हूँ, और कभी भी 200 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा कम में भी इसमें भी
ठीक है, दोनों चार टेम्परेचर के होते हैं। 160 बहुत नॉर्मल है, बहुत हल्का एकदम गुनगुना टाइप जो है वो ऐसे वैसे इसमें हीट प्रोड्यूस करता है। पर 220 में आप फटाफट इजिली कर सकते हो, और अगर पावर हाई भी हो जाएगी डरने की कोई बात नहीं, इससे बाल ना आपके ना ही जलेंगे ना ही बर्न होंगे ना ही इसको आपके बाल को ज़्यादा हीट प्रोवाइड होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मेनटेन करता है, एक्चुअली हीट मेनटेन कर लेता है आपके बालों को। तो ये जो है ना, अब ये बट यहाँ जब स्विच कनेक्ट कर दे तो यहाँ अपना भी पावर ऑन हो जाएगा। यहाँ रेड लाइट आपको दिख रही होगी, राइट, रेड लाइट दिख रही होगी। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगी तो ये आपको टेम्परेचर पर ले जाएगा। अब जैसे लोएस्ट में, देन फिर हाइस्ट में गया, देन नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर आपको जिसमें भी जिस पावर में जिस टेम्परेचर में आपको बाल अपने सेट करने हैं, आप उसमें इसको बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये है पैकेजिंग की बात करो तो गाइस, ये मुझे इस तरह के बॉक्स में मुझे मिला था। ये अंदर इसका हेडिक बन हमने रखा हुआ था, और बाहर से कुछ इस तरीके का, इस तरीके से मेरा पैकिंग काफ़ी अच्छी है। उतने लंबे समय से मैं इसी में ही रख रही हूँ, इसी बॉक्स में रख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की, इससे मुझे क्या कॉस्ट किया था, तो गाइस इसने मुझे रिटेट बताओ, इसने मुझे उस टाइम पे 330 कॉस्ट किया था। 330, या 330 में उस टाइम कॉस्ट किया था जो मैंने लिया था इसको। और अभी इसका प्राइस आई थिंक 400 अराउंड कुछ है, तो अंडर 500 आपको ये स्ट्रेटनर मिल जा रहा है गाइस। उतना बढ़िया स्ट्रेटनर आपको, अंडर बजट आपको चाहिए तो दिस इज़ बेस्ट वन, क्योंकि मैं इसकी यूज़र हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया। तो मैंने कहा आप मेरे यार व्यूअर्स हो, क्यों ना आपके संग ये शेयर करूँ। ऑनेस्ट वीडियो है, चलिए, कोई ये पेड वीडियो नहीं है, कुछ वो नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ इस चीज़ का, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। मैं आप ऑन लाइव इसको बता रही हूँ आपके सामने। तो ये है प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर भी कहते हैं, कहा जाता है इसको, प्रोफेशनल भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर आपको 500 के अंदर मिल जाएगा गाइस, और क्या चाहिए ना। शौक असल मेरे को 330 मिला, अगर ये बीच में ऑफ में भी चल रहा था, ऑफ में भी आप ले सकते हो, आई थिंक आपको 300 कॉस्ट भी कर जाइए। तो ये चीज़ है, तो सबसे बेस्ट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई स्ट्रेटनर चाहिए तो गोल्ड एंड वाइट। तो ये था ऑल अबाउट द स्ट्रेटनर, किमी स्ट्रेटनर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मीन्स आपको जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। इनकेस अगर आप कुछ सोच रहे हो इस हेयर स्ट्रेटनर लेने का, तो गो एंड बाय इट विदाउट एनी क्वायरी, मीन्स या मैं क्या लूँ। और मुझे सच बता, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक कि मैंने इसे क्यों लिया करके। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ आप जाके देखिए और वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो, कॉस्ट वगैरह सब मिल जाएगा आपको। ये मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, मीशो सब में मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हो, प्राइस कंपेयर करके आप उसको बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगती है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, आज चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।